हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार आपके अपने चैनल जीके देखो बाई डीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि जब आपने ऐड बेनिफिशियरी कर लिए यानी बेनिफिशियरी को आपने रजिस्टर कर लिया है नगर क्षेत्र के विद्यालय के लिए है ये वीडियो, ठीक है, तो आपको उन्हें अप्रूव कैसे करना है और अप्रूव करने के लिए हमें डाटा अप्रूवर की आईडी से लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं लॉगिन और यहाँ देख लेते हैं गूगल को और यहाँ सर्च कर लेते पीएफएमएस पोर्टल, यहाँ क्लिक कर दिया हमने, यहाँ क्लिक कर दिया हम, फिर यहाँ जाएंगे। देखिए हम यहाँ आने के बाद सीधा जो है हम यहाँ डालेंगे आईडी जो है हम डाटा अप्रूवर की, ठीक है। डाटा अप्रूवर की आईडी से हमें अप्रूव करना है बेनिफिशरी को जो हमने बेनिफिशरी ऐड किए थे, ठीक है। और बेनिफिशरी ऐड हमें करने हैं डाटा ऑपरेटर की आईडी से और उनको अप्रूव करना है डाटा अप्रूवर की आईडी से, ठीक है। तो यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ डाटा अप्रूवर की आईडी और पासवर्ड डाल करके। तो यहाँ मैंने डाल लिए हैं आईडी, पासवर्ड और वर्ड वेरिफिकेशन और यहाँ ब्राउन वाली पट्टी पर देखो यहाँ लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद हम पहुँच जाएंगे सीधे डाटा अप्रूवर के पेज पर, ठीक है। तो देखो यहाँ भी लिखा हुआ है मास्टर, ठीक है, मास्टर पे क्लिक कर लेते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ मास्टर, यहाँ क्लिक कर लेते हैं। इसके सामने एरो का चिन्ह है व्हाइट वाला छोटा सा, तो हम यहाँ कुछ देर दबा के रखेंगे, ऐसे ही पेज हट जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ जाएंगे बेनिफिशरी मैनेजमेंट पे, यहाँ भी एरो का चिन्ह हल्का, देखो ये, तो यहाँ भी हम कुछ देर दबा के रखेंगे ऐसे ये, और ये हट जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ लिखा है, देखो स्पष्ट लिखा हुआ है अप्रूव बेनिफिशरी, अप्रूव बेनिफिशरी। तो यहाँ आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आपको क्लिक करने कुछ देर दबाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ जो है एरो का चिन्ह नहीं है वाइट वाला, तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे ऐसे। यहाँ क्लिक करने के बाद देखो यहाँ सब इतना सारा लिखा हुआ आ गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट स्कीम पे क्लिक करेंगे, यूके 207 इसको चुन लेंगे, जो भी आपकी स्टेट की स्कीम रही होगी। बेनिफिशरी टाइप सेलेक्ट करेंगे, ये यूके है, फ्री यूनिफॉर्म यूके, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, इधर आ जाइए, यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट जो आपका होगा वो सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। और आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहा होगा अपने स्टेट का, यहाँ क्लिक कर लिया बस। अब आपको कोई भी सेलेक्ट नहीं करना है, आप सीधे यहाँ जाएंगे सर्च पे, यहाँ सर्च पे क्लिक करना है आपको, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ ऐसे, यहाँ क्लिक करने बाद जितने भी आपने बेनिफिशरी बनाए थे उन सबके देखो नाम यहाँ आ गए हैं, ठीक है। और देखो यहाँ जो है बिल्कुल इनके अकाउंट के सामने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ सक्सेस इन बैंक, सक्सेस इन बैंक, सक्सेस इन बैंक, सक्सेस इन बैंक। और ये तभी आता है जब आप ऐड बेनिफिशरी करने के लगभग 24 घंटे बीत जाने के बाद ही ये अकाउंट वेरीफाई होते हैं, सक्सेस इन बैंक होते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ नीले कलर में लिखा हुआ है बेनिफिशरी नेम एज पर बैंक, यानी बैंक में उस बेनिफिशरी का नाम क्या है। इनमें ज़्यादातर बच्चों के माता पिता के नाम है, एक दो बच्चे के नाम है, बाकी सबके माता पिता के नाम है, कुछ बच्चों के भी नाम है, उनको बेनिफिशरी बना दिया गया है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ जो है यहाँ बच्चे का नाम भी लिखा हुआ है रेड कलर में और उसके बैंक का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो आप सबसे पहले यहाँ टिक करेंगे, ऊपर वाले में टिक करेंगे, ये 10-10 हैं, एक लाइन में 10 आते हैं, तो आप 10-10 को एक बार अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन अप्रूव आप तभी करेंगे जब यहाँ अकाउंट नंबर स्टेटस, पहले इस पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट नंबर स्टेटस और जहाँ अकाउंट लिखा के नीचे लिखा मिलेगा आपको सक्सेस इन बैंक, जब तक सभी बच्चों के इस बैंक अकाउंट के नीचे सक्सेस इन बैंक नहीं लिखा जाता, आप बच्चे को बेनिफिशरी को उसके माता पिता के अकाउंट के नीचे जो हमने बेनिफिशरी बनाया है उसको अप्रूव नहीं कर सकते हैं। तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 24 घंटे या 72 घंटे के बाद यहाँ सक्सेस इन बैंक लिखा आ जाता है, ठीक है। तो आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ,
दस दस को एक बार यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, देखो ये सेलेक्ट हो गए हैं सारे। और नीचे आएंगे, आई कन्फर्म यहाँ क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म दैट बेनिफिशरी नेम रजिस्टर्ड एंड इशूड बाई बैंक आर मैचिंग। अब यहाँ दो टैब हैं, अप्रूव और रिजेक्ट। रिजेक्ट करना है तो काउंट पूछना पड़ेगा आपको। मान लें किसी बच्चे का हमने अकाउंट नंबर जो है वो गलत फीड कर दिया, ठीक है, तो आप उस बच्चे को यहाँ रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। रिजेक्ट करने के बाद तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, क्या कारण है सेलेक्ट करने रिजेक्ट करने का, इनकरेक्ट बेनिफिशरी नेम, इनकरेक्ट आधार नंबर, इनवैलिड अकाउंट नंबर, डुप्लीकेट बेनिफिशरी, अकाउंट इज क्लोज्ड, बैंक अकाउंट नंबर इज नॉट प्रोवाइडेड, तो कुछ ऐसा लिख देंगे आप, ठीक है। लेकिन हमें तो करना है ना क्या, अप्रूव करना है। हमें क्या करना है इनको, अप्रूव सबके बैंक के अकाउंट के नीचे लिखा गया है सक्सेस इन बैंक, तो हम यहाँ अप्रूव पे क्लिक करेंगे। अप्रूव पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ ये एक बच्चा और रह गया है, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ जो है लिखा आ गया है, यहाँ देख लीजिए, अखलाक, फहमिदा, इल्मा, इकबाक, हुसैन, इसरत, मोहसिन, नीतू, सायरा बानो, सीमा, शाहीन, इन सबको हमने क्या जो है अप्रूव कर दिया है, ठीक है। अब एक बच्चा या और रह गया है शाहीन, इसको भी सिलेक्ट कर लें ऐसे, इसको भी ऐसे क्लिक कर देंगे और इसको भी हमने अप्रूव कर देना है। ये सारे के सारे देखो यहाँ अप्रूव हो गए हैं, ठीक है, ये शाहीन भी अप्रूव हो गई है। इस प्रकार से आप जितने भी आपने ऐड बेनिफिशरी किए थे उन सबको आप अप्रूव कर सकते हैं डाटा अप्रूवर की आईडी से, ठीक है। 10-10 सेलेक्ट कर लेंगे और उनको अप्रूव करते रहेंगे, ठीक है, बॉक्स में टिक करके। इस प्रकार से आप ऐड किए बेनिफिशरी को बहुत ही कम समय में अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।